आज मैं जड़ी गल तो नल करन जा रहा है, बड़ी अजीब है और बड़ी गहरी है। आन वाले दिनों दे विच, दुनिया दे विच, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन्हां देशां च बहुत वड्डी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली है। इजराइल दे नाल देश लड़नगे, जेड़े देश इजराइल दे खिलाफ होंगे उन्हां देशां ते परमेश्वर दा क्रोध भड़कन वाला। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, प्रभु के दास अंकुर नरूला जी ने इस बात की घोषणा की आने वाले समय में कि इजराइल के साथ बहुत से देश लड़ेंगे और लड़ने के बाद में जो देश इजराइल के साथ लड़ेगा उस देश के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और ये बातें आज हमें देखने को मिल रही है क्योंकि बाइबल आप इसके विषय में कहती है कि अंतिम दिनों में ये बातें होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे तब चेले प्रभु यीशु मसीह को कहते, प्रभु तेरा जगत में आने का क्या चिन्ह होगा, हमें बता। तब यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। और आज हम देख सकते हैं उस वचन में जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ सब बातें हमें बताई हैं कि अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उससे पहले जो घटनाएं होने वाली है जगत में, प्रभु यीशु मसीह का क्या चिन्ह होगा। आज हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारे संसार में चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें इन चिन्हों को देखकर हमें तैयार होना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में शामिल हो सकें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल की लिखी हुई हर एक वो बात जो परमेश्वर के मुख से निकली है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पूरी ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और वचन कभी टल नहीं सकता। धरती और आकाश टल जाएंगी, ये बाइबल आप हमें कहती है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात वो मनुष्य के मुख से निकली हुई नहीं है जो झुठला दी जाए। परमेश्वर ने जो कहा वो होना है। और आज हम देख सकते हैं बाइबल की वो हर एक भविष्यवाणी आज हमें अपनी आँखों के सामने होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से इजराइल के साथ देश डिबेट कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही, युद्ध हो रहे हैं और बाइबल की जो भविष्यवाणियाँ आज पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये होना अवश्य है, इसलिए हमें घबराना नहीं परंतु प्रार्थनाएं करना है। इसलिए अपने प्रार्थनाओं में इजराइल देश को भी जरूर याद रखें ताकि परमेश्वर आपकी ओर भी दृष्टि करे। इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।